प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज एक और दृष्टांत दिया करते थे ये समझाने के लिए कि जब कोई अपनी डोरी, अपनी लगाम, अपना मन गुरु को अर्पण कर देता है तो गुरु रेख में मेख मार देता है, उसके बुरे कर्म जिसकी सजा उसे मिलने वाली होती है उससे भी छुड़ा देता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। एक शिष्य और उनके गुरु जंगल में विराजमान हैं। गुरु बहुत कमाई वाले हैं। रात का समय हो गया, शिष्य कहने लगा, गुरुजी आप सो जाइए, मैं जागता हूं। गुरुजी आराम में हो गए। जब सुबह हुई, अमृत वेला संभाला, सिमरन हो गया, तो अब गुरु कहने लगा शिष्य से, तू सो जा, मैं बैठा हूं, तू सो जा। शिष्य आराम में हो गया, सो गया। अब एक सांप, जहरीला सांप शिष्य के पास चला आ रहा है। गुरु ने देख लिया, रोक दिया। पहुंचा हुआ गुरु था, पीर था, रोक दिया। सांप से बात करने लगा, भाई तू क्यों बढ़ता चला आ रहा है मेरे शिष्य की तरफ? कहने लगा, आप बीच में मत आइए, आप बीच में मत आइए महाराज, इसका और मेरा पिछले जन्मों का लेखा है। इसने मेरा पिछले जन्म में गला काटा था, अब निरंकार के हुक्म से मैं बदले लेने आया हूं। मुझे इसकी शौहरत का खून पीना है, शौहरत जहां से सांस जाती है, उस नस का खून पीना है मुझे, मुझे हुक्म है, हमारा आपस में लिखा है, आप इस बात के बीच में मत पड़िए। गुरु कहने लगा, इस शिष्य ने अपनी डोरी मुझ पर छोड़ी, मुझ पर भरोसा किया है, मैं तुझे इसे मारने नहीं दे सकता। तो सांप कहने लगा, फिर मेरे हिसाब का क्या होगा? आप कहते हो कि इसने डोरी आप पर छोड़ी है, क्या सचमुच छोड़ी है? मुझे दिखाओ। तो गुरु कहने लगा, अभी दिखाता हूं। गुरु ने चाकू लिया, शिष्य के छाती पर चढ़ गया और गर्दन पर रख दिया। शिष्य की आंख खुली, गुरु को देखा, आंखें बंद कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, लड़ा नहीं, आंखें बंद कर ली। गुरु ने सांप की तरफ देखा, सांप चुप। शौहरा काटी थोड़ी सी, खून निकाला और फटाफट उसके ऊपर मलम लगाकर पट्टी बांधी और वो खून सांप को दिया। तूने शौहरत का खून पीना था, तू पी ले, तेरा हिसाब पूरा होगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। सांप खून पीकर चला गया। अब गुरु ने शिष्य से पूछा, तूने आंख क्यों बंद कर ली? तू लड़ सकता था, तू देख रहा हूं मैं तेरी छाती पर बैठा हूं चाकू लेकर, तेरा गला काटने जा रहा हूं, तू रोक सकता था, तूने रोका क्यों नहीं? कहने लगा, जब मेरी आंख खुली मैंने देखा मेरे गुरु जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया है, अपनी डोरी उसके हाथ में दी है, वो मेरी छाती पर चाकू लेकर बैठा है। मैंने कहा, मेरे धन्य भाग, मेरी मौत मेरे गुरु के हाथों से हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा किया। गुरु कहने लगा, तूने भरोसा किया इसलिए तू आज जिंदा है, वरना तेरी मौत हो गई होगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज ये दृष्टांत बताकर समझाया करते थे कि चाकू किस पर चला, उस शिष्य की गर्दन पर या उसकी कर्म रेखा पर? उसकी कर्म रेखा पर चाकू चला। क्यों चला? उसके पुराने कर्मों का हिसाब खत्म हो गया। क्यों? उसने अपनी डोरी गुरु के हाथ में दे दी। इसी प्रकार हमें भी अपनी डोरी गुरु नानक पातशाह को अर्पण करें। एक बार देकर तो देखें, एक बार देकर तो देखें। हम देते नहीं हैं, कहते हैं देते नहीं है। मन की इच्छा होती है ये काम हो जाए, कहते हैं ऊपर से गुरु तुझे भाई तो कर लेना, जब नहीं होता तो मन में गुस्सा आता कि हमारी बात पूरी नहीं हुई। नहीं, ऐसे नहीं भाई। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सच है, सच कहता हूं, जब कोई काम की इच्छा हो अरदास करो, गुरु ये काम हो जाए, ना हो, हो जाए तो बहुत खुशी, नहीं हो जाए तो बहुत ज्यादा खुशी। तो पता नहीं कि नहीं होने में कितनी बेहतरी है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।